some things you can do, some things you can't. अभी हिंदी फिल्मों के सुपरस्टार्स में सबसे तगड़ा लाइनअप ऋतिक रोशन का लग रहा है। अभी वो फाइटर शूट कर रहे हैं, इससे निपटने के बाद वो वॉर 2 पर लगेंगे, फिर वो अपने ड्रीम प्रोजेक्ट क्रश 4 पर बढ़ेंगे। इन सब फिल्मों को मिला लें तो इस वक्त मार्केट का 1,000 करोड़ रुपया ऋतिक रोशन पर लगा हुआ है और सभी स्टेक होल्डर्स निश्चिंत हैं कि ये पैसा सूद समेत वापस आएगा। ऋतिक रोशन की पिछली 3 फिल्मों की परफॉर्मेंस मिली जुली रही, सुपर 30 एवरेज क्रॉस रही, वॉर साल की सबसे कमाओ फिल्म बनी विक्रम वेधा फ्लॉप रही। बावजूद इसके लोग ऋतिक पर पैसा लगाने से डर नहीं रहे, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर अच्छी स्क्रिप्ट मिली तो ऋतिक टिकट खिड़की पर धुआं उठा सकते हैं। अगर मूवी ने बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं भी किया तो ऋतिक रोशन के नाम पर मूवी का लागत वसूलने के तमाम तरीके हैं। ऋतिक रोशन फिलहाल सिद्धार्थ आनंद की फाइटर के कुछ गाने और पैचवर्क पर काम कर रहे हैं। यहाँ से फ्री होने के बाद वो नवंबर 2023 से यानी इसी महीने से वॉर 2 पर काम शुरू करेंगे। ये मूवी 1 साल के समय में दुनिया के अलग अलग हिस्सों में शूट की जाएगी। अयान मुखर्जी डायरेक्टेड इस मूवी में ऋतिक के साथ एंथिया जूनियर दिखाई देंगे। ये ऋतिक के करियर की पहली प्रॉपर पैन इंडिया मूवी होने वाली है। 2024 के आखिर तक ऋतिक अपने ड्रीम प्रोजेक्ट क्रश 4 की ओर बढ़ेंगे। फिलहाल इस मूवी के डायरेक्टर करण मल्होत्रा बताए जा रहे हैं, मगर अब तक उन्होंने फिल्म साइन नहीं की है। इस मूवी से सिद्धार्थ आनंद भी बतौर प्रोड्यूसर जुड़ रहे हैं। बताया जा रहा है कि क्रश सीरीज की पिछली 2 फिल्में साउथ में भी पसंद की गई है। ऐसे में वॉर 2 से पैन इंडिया जाने के बाद वो क्रश 4 को भी देशव्यापी लेवल पर ले जाना चाहते हैं। पिंक विला की उसी रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से बताया गया कि इन चीजों को ध्यान में रखते हुए ऋतिक क्रश 4 के साथ कोई कोताही नहीं बरतना चाहते। उन्होंने अपनी टीम को साफ कह दिया है कि वो क्रश 4 को इंडिया की सबसे बड़ी मूवी बनाना चाहते हैं। विजुअल से लेकर स्केल हर स्तर पर क्रश 4 को वॉर 2 से एक कदम आगे ले जाना चाहते। उनकी टीम उनके आदेश अनुसार काम पर जुट गई है। ऋतिक रोशन बैक टू बैक 3 एक्शन फिल्में कर रहे हैं, मगर उनका मानना है कि हर मूवी पिछली वाली से अलग बेहतर और बड़ी होनी चाहिए। उन्होंने इसका खास ख्याल रखा है कि इन तीनों में से किसी भी मूवी के किरदार कहानियां विजुअल्स में से कोई समानता नहीं होनी चाहिए। हर मूवी की अलग दुनिया होनी चाहिए ताकि लोग वो फिल्में देखने में इंटरेस्टेड रहें। खैर अब आप बताओ क्रश 4 को लेकर कितने एक्साइटेड हो, बताएं कमेंट सेक्शन में। हम फिर मिलेंगे, बाय बाय।